समुचे विश्व नूं एकता समानता भाईचारा मानव प्रेम प्रभु प्रेम स्त्री पुरुष मान करुणा न्याय संतां दी संगत हरदा समरन और बेगमपुरे वतन दे पावन संकल्प नूं बख्शिश करन दे लई जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दा आगमन माघ सुदी 15-1370 ईस्वी 1433 बिक्रमी संवत नूं सत्कारयोग पिता श्रीमान संतोख दास जी सत्कारयोग माता कंसी देवी जी दे पावन ग्रह श्री गोवर्धनपुर बनारस विखे होया। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने अंधकार के युग में ज्ञान का प्रकाश किया और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दी क्रांतिकारी कल्याणकारी समाजवादी अध्यात्मक विचारधारा का विश्व के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे चरना कमलों में अणगिणत राजे महाराजे सारे वर्गों के डुब चुके और उन्हां दी विचारधारा नूं अपने जीवन में अपनाया। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने विश्व के इतिहास में नवे अध्याय की प्रभुता की गुलामी भेदभाव ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ
प्रेम पंत की पाल की रविदास बैठियो आए साचे स्वामी मिन को नंद कहो ना जाए। जेड़ा जीव संसार विच मानवता ना प्यार करता है वह प्रभु प्रेम रूपी मार्ग की पालकी ते विराजमान हो जाता है और उसनू इन्ना आनंद प्राप्त होंदा कि वह बयान नहीं किया जा सकता। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय कट्टर मान विरोधी प्रचलित व्यवस्था का जो जन्म के आधार से श्रेष्ठा का प्रचार करती सी उसका खंडन किया। रविदास एक ही बूंद सो सबको पयो विस्तार मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार। जिहड़े वर्ण अवर्ण की विचार करते हैं जन्म के आधार से श्रेष्ठा कह करते हैं उन्होंने मूर्ख क्या। रविदास एक ही गुण से सबको प्यो विस्तार के सारे संसार का विस्तार सर्वव्यापक प्रभु ने किया है और सर्व एक अनेक स्वामी सब कट भुगवे सोई कह रविदास साथ पै नेड़े सहजे हुए सो के पंचा तत्ता तो बने हुए जीव मानव मानव समान हैं स्त्री पुरुष समान हैं मानुखा अवतार दुर्लभ कि संसार विच मानव सब तो महान है सृष्टि में सर्वव्यापक प्रभु की महान सिद्धना है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणा कमलों में फुल लकाई चुके आवा दान सदा मशहूर। जगत गुरु रविदास महाराज ने लंबिया लंबिया उदासियां कीतियां आवा दान ईरान का प्रसिद्ध शहर है जो उस समय खुशहाल सी संपन्न सी और हर पक्षों संस्कृति ना भरपूर सी। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने ऐसा आवादान विश्व विच होवे संकल्प दिता और सेख अवलोल दाना जो कि जगत गुरु रविदास महाराज जी का ईरान तो शिष्य राजा सी उसने 20 मार्च 1480 ईस्वी बनारस विखे जगत गुरु रविदास महाराज जी का अंतरराष्ट्रीय सत्संग का आयोजन किया जिस विच उस समय के समकालीन महापुरश शामिल हुए सतगुरु कबीर साहब महाराज जी होर महापुरश आए और वड़ दे कोने कोने चो संगत आईयां जगत गुरु रविदास महाराज जी ने ऐलान किया ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अंत चोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न सबन रोटी कपड़ा मकान स्वस्थ पानी मिले मुरलियां जरूरतां पूरियां होन पराधीनता गुलामी भेदभाव खत्म होवे मान मन समान होवे ऐसी व्यवस्था का जगत गुरु रविदास महाराज जी ने संकल्प दिता और जगत गुरु रविदास महाराज के कुरान पैरोकार विश्व भर में बसते हैं जिन्हां विच एकता का सूत्र रविदासिया धर्म है और भारत की सब तो वड्डी कौम रविदासिया कौम है। भावें कि हर प्रांत विच भाषा का पहरावे का अंतर है पर एक गल कौमन है जगत गुरु रविदास महाराज के सारे पैरोकार जगत गुरु रविदास महाराज नूं अपना इष्ट मानते हैं और सारे रविदासिया हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी 151 सासी करके संसार विच रहे जिन्हां दे पावन विष्णु संतां महापुरशां ने समाज धारकां ने जन जन तक पहुंचाया। सतगुरु स्वामी सरबनदास जी महाराज जी ने विश्व पद्धर ते श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर संगतां नूं प्रदान कीता। जगत गुरु रविदास महाराज जी विरासत दे नाल जुड़न लई महान उपरला किया और साडे समाज विचों अज तक अणगिणत कुरबानियां होनिया उन्होंने याद नहीं किया गया। अमर शहीद संत रामानंद जी की शहादत रविदासिया कौम ने हुई और विश्व भर में जगत गुरु रविदास महाराज के पैरोकारां नूं 30 जनवरी 2010 हजारा संतां महापुरशां वलों संत निंदन दास महाराज की सरप्रस्ती हेठ लखां दी गिणती संगतां दी हाजरी विच रविदासिया धर्म दा लान कीता गया। अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज दे प्रकाश होए लखां दी गिणती विच
अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के प्रकाश विच प्रगट हो चुके हैं और विश्व दीआं अनेकां भाषावां विच संगतां अमृत बाणी नूं पढ़ के सरवण करके अपने जीवन नूं सफल बणाउंदियां हन। और अमृत बाणी जगत गुरु रविदास महाराज दे समय विश्व विख्यात हो चुकी सी। संत रविदास मले गुर पूरे मन की कुंडी खोले कहे कमाले सोने मीरा गुर अमृत बाणी बोले। ये पावन संत कमाली का है जो सतगुरु कबीर साहब महाराज की बेटी जिसने जगत गुरु रविदास महाराज जी पासों ज्ञान की प्राप्ति की थी। और याद किया कि मैं जगत गुरु रविदास महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष मिले हैं। ऐ मीरा मैं तेनों कमाली समझाती हाँ कि मेरे रहवर अमृत बाणी चान करके भुली भटकी मनुखता सही का राह दिखाते हैं। अज वो अमृत बाणी जिस विच जगत गुरु रविदास महाराज ने चान किया रविदास जे ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए सब ही पदार्थ मिलेंगे इससे सबर पाए। 140 शब्द 40 पदे 35 अखरी हफ्ता बारी 15 तिथियां 12 मास देश ब्याह की विधि ब्यास लोग समुची मानवता दे लई चरण मनारा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सानू हमेशा ही अपने रहना नूं समर्पित होना चाहिए है। अपने बच्चों नूं वध तो वध विद्या पढ़ानी चाहिए है। नशिया का त्याग करना चाहिए जीवन में मेहनत करके जीवना चाहिए है। और अपने संतां महापुरशां की संगत करनी चाहिए है और उन्होंने दस्से उपदेश से चल के अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करके अपने होर जीवन में सफल करना चाहिए है। श्री गुरुदास प्रबंधक कमेटी सरहंद को मैं तकरीबन 1996-97 तो जानता हाँ और इन्होंने बड़े उपराले हैं इस इलाके में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जिथे बैठे हुए हैं विश्व के कोने कोने में जिथे बैठे हाँ अपने रहवर की विचारधारा को अगे बधाइए और अपने आने वाले बच्चों अपने रहवर के गुरु नाल जोड़िए। और जगत गुरु रविदास महाराज ने जो विश्व में बेगमपुरे वतन का संकल्प दिता जिसनों विश्व व्यापी संस्था संयुक्त राष्ट्र ने अपने झंडे लिया और मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान बना के व्यवहारिक रूप दिता है। सानू अपने धार्मिक पहचान रविदासिया धर्म में बरकरार रखना चाहिए है क्योंकि धार्मिक ताकत विचों सारिया आर्थिक समाजिक राजनीतिक ताकत निकलदिया हैं और नाल दी नाल संविधानिक हक्कां ते पहरा देना चाहिए है। सारे प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सारिया संगतां नूं जगत गुरु रविदास महाराज जी के 346वें आगमन पुरब और रविदासिया धर्म के 14वें स्थापना दिवस दीआं बहुत बहुत बधाइयां। जय गुरुदेव। जो बोले सुनर पै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सुनर पै सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की जय। जय।